छोड़िए सास रखे दाद माई गाड़ी गाबो कराई एक पान दो पान तीस रस पान लपड़ तोड़ तान जय राम राम राम। तेरा एक पन गया यानी बाल पन गया जुआनी गई बुढ़ापो गया अब तो ब्याई मेरी छोरी तेरो छोरो तिन्ने तू घर कर और भगवान को नाम ले लपोड़ो कान तोड़े जाने काल कब आ जाए। इसलिए गीता भागवत जो भी था सो सब उसकी जैसी भाषा थी उसमें सब आगा यही सत्संग माई ने बुला राम जी का गीत हुआ वो करा गंगा जी की गैल में एक पेड़ को राम खाई तब ये ढोल का बोल का तब चुप धूल भी कुएजा यही सत्संग है। तो किसा आत्मा का हाल है भाईला यहाँ पानी पानी बजा रहे वो करा और बहन भाई में किसी हो बाहरों प्रेम छोरी आपस में मिल बकरे दौराली जी ठानी करे लग लगे जी 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 खाई आपस में आप तू देख मामला ही करो रोज इलाका सत्संग हो पर दौराली जी ठानी का बोलो फिर मैं नहीं खाऊ काम में कोई यही आज सत्संग में या ये सिका में। इसलिए ये सत्संग निरंतरा है पर वटैम किसी बिना बढ़िया लिखा जिसको सतयुग कहते थे वो टैम सतयुग की थी अब का ये कलयुग कलयुग का ये मशीन को युग कलयुग माने मशीन को युग वो टैम में पढ़ाई लिखाई को तो कोई ना कोई माई को ना आ लियो नहीं ब्राह्मण खेते जेई जेई वाई की पूछा वाई का कार्य वाई लिखो कछु जो भी कछु तो हमको टाइम मिलो यार कैसे कैसे हम भी पढ़े पढ़े लिखा तो पढ़वासु फिर हम रामायण गीता देख में लग गया तो सत्संग के बारे में हमने रामायण देखी तो काय देखिए जैसे माता पार्वती को माता मैना अपनी बेटी पार्वती को शिव जी के साथ में जाती हुई सत्संग करती हुई उपदेश देती है क्या कहती है माता उमा बोल तब लीनी ले छंद सुंदर सिख दीनी करो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। माता ने अपनी बेटी को बुलाया और सुंदर सीख दियो कार्य करो करो सदा शंकर पद पूजा बेटी शंकर की पूजा कर और नारी का धर्म है पति देवता है भाई शंकर पूजा काय करे अरे बोलो संसार को आया गया को रोटी दे बोई तो शंकर पूजा शंकर माने संसार संसार की सेवाई तो शंकर है शंकर माने भगवान संत माता और पिता की तो पूजा है शिव जी और काये माँ बाप ही तो है माई भग और वान भग माने माता वान माने पुरुष तो शंकर की पूजा कर शंकर माने सदगुरु तो माता ने अपनी बेटी को समझाया बेटी आया गया सु रोटी देवो आया गया कि सेवाई शंकर भजन है हमारे व्यास जी ने 18 पुराण रच करके उनके 2 शब्द निकाले अष्टम 10 पुराण सु व्यास वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम मातृवत परदारेषु प्रद्रवेनोऽस्त्वत आत्मसंभूतेषु ये पक्षी से पढ़ते हैं 18 पुराणों में के व्यास जी 2 वचन मानते हैं परोपकार पुण्य है दूसरे की भलाई पुण्य है पापा पर पीड़नम दूसरे को दुख देना ही पाप है मातृवत परदारेषु दूसरे की स्त्री हमारी माता के समान है परद्रवेनोऽस्त्वत दूसरा को धन माटी पत्थर के समान है आत्मा सर्वभूतेषु ये पक्षी से पंडित है आत्मा सब में एक है ये जानता है वो ही बुद्धिमान है। इसलिए करो सदा शंकर पद पूजा बेटी शंकर पूजा है आया गया की सेवा। तो आजकल में धनी छोरी देखो हर हर महादेव सो सो घड़ा पानी छिड़ा महादेव का अरे गंगा जी महादेव का मुंड में तो गंगा जी लिखती है पानी का तो वाई के घाटों को भगवान शंकर पूजा है संसार की सेवा संसार की सेवा आया गया को रोटी देवो जो कोई भूखा टूटा को रोटी दे वो ही संसार की सेवा। एक दुनिया की बात नारद चारो भगवान का दर्शन में एक पंडित ने पूछी है ना बोलो नारद तू खा जाए
बोलो भाई मैं तो पंडित जी भाजाऊ भगवान का बा एना बोलो भगवान से नु कौन पूछेगा मेरे छोरा छोरी को कब होएगा पूछा नारद ने भगवान से पूछी महाराज बा वो फलाना पंडित के छोरा छोरी कौन हो रहा कब होएगा अरे बोलो बाकी तो सात जन्म ताने भी कौन हुआ है आयो नारद वापिस अरे बोलो काई थी बोलो दुखी भाई सात जन्म ताने भी कौन हुआ अब पंडित का तो दुख हुए जे हुए पर पंडितानी तो राय दिन हे राम जी मेरा एक जन्म छोड़ सात जन्म तारी कौन है बटो एक बाबा जी करता है एक दिन बोले एक रोटी दे जे एक छोरो दो रोटी दे जे दो छोरा एक रोटी दे जे एक छोरो दो रोटी दे जे दो पंडितानी ने दो ही किताबी समय समय सुई दो छोरा बड़ा बड़ा होगा देर जारी नारो नारो पैदा से बोले पंडितानी ये कुंड का है बोले तेरा ही तो है बोले हो भगवान नुखी सात जन्म में को नोर दो रोटी में इतनी एक जे यही जन्म में दो तो इसलिए भेड़ो मेरी बात पर ध्यान दो चाहे कोई कच्छु भी खो आया गया को रोटी दे दे तो करोड़ों यज्ञों का फल होता है भूखा को रोटी दे दे तो कल्याण होगा इसलिए भूल मत करो तो सदा शंकर पद हरि का धर्म है पति देवन दूत।